तरीका है, वो हलाल नहीं हुआ। या कोई आपको बोल रहा कि मैं दवा आपको दे रहा हूँ और दवा ये है कि आपको एक लीटर शराब रोज पीना है इस क्वालिटी की, तो इंशाल्लाह अजीज आपको फायदा होगा, तो आप बोल सकते नहीं ये तो नहीं। क्यों नहीं हो सकता हराम चीजों से? मैं बता देता हूँ। एक तो ये है कि कोई इंसान ये कहे नहीं नहीं भाई अब बच रहे तो कर लेने में क्या हर्ज है, अगर बच रहे तो आप सुन लीजिए, आप बचता भी नहीं आदमी उसमें, मतलब वो उसमें तरीका भी नहीं इलाज का और सही भी नहीं। क्यों मैं सुनाता हूँ, देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद क्या आपने फरमाया, जो चीज़ें अल्लाह ने तुम पर हराम की हैं इसमें तुम्हारे लिए शिफा नहीं रखी है। अल्लाह ने बाय डिफॉल्ट शिफा निकाल लिया हराम चीज़ों में से ताकि मोमिन जाए ना उस तरफ। तो जिसमें जो चीज़ हराम है उसमें शिफा भी नहीं। आप कहेंगे बहुत सारी दवा में तो अल्कोहल आता है, देखिए दवाओं में अल्कोहल दवा की शक्ल में नहीं आता है कभी भी, दवाओं में अल्कोहल जितनी भी आता है जब प्रिजर्वेटिव आता है, असल दवा को महफूज करने के लिए उसे डाला जाता है। आप पूछ लीजिए किसी भी डॉक्टर, जो कंटेंट अल्कोहल होता है वो एक्चुअल मेडिसिन को सेफगार्ड करने, लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व करने, साला साल दवा अच्छी रहना, दो चार साल शेल्फ लाइफ होती ना उसकी, तो उसके लिए होता है। तो कोई शराब से इलाज आप बोल नहीं सकते होता है, बल्कि तो अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को हराम किया है उन चीज़ों में से शिफा निकाल ली, उसमें शिफा नहीं होती, याद रखें उसमें फ़ायदा नहीं है, इस बात को हम जो है समझे याद रखें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताऊन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए, डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारी वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।